ड्रीम क्लास के चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि मेरी पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने आपको व्हाइल लूप प्रैक्टिकली डिटेल में समझाया था। ओके, तो अभी मैं आपको उसको थोड़ा थियरी इम्प्लीमेंट करके दिखा देगा कि उसका मतलब आपको वो लिखना किस तरह है। ओके, मतलब आप उसको किस तरह लिख सकते हो इजीली। जनरली प्रैक्टिकल आपका इम्पोर्टेंट है, लेकिन थियरी भी, मतलब आप उसको अगर थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्प्लीमेंट करना चाहो तो भी वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ओके, तो आज की वीडियो मेरी प्रैक्टिकली रहेगी व्हाइल लूप पे। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में सिंटेक्स उसकी बताई थी कि उसके सिंटेक्स के अवाइल यहाँ पे टेस्ट एक्सप्रेशन लिखना है, उसके बाद आपको स्टेटमेंट लिखने हैं बॉडी ऑफ द लूप में। मतलब जितने भी बार आपकी कंडीशन ट्रू होगी, मतलब आपको कौन से स्टेटमेंट प्रिंट करने हैं, उसकी ये जनरल सिंटेक्स है। ओके, उसके बाद ये व्हाइल लूप किस तरह वर्क कर रही है। द व्हाइल लूप इवैल्यूएट द टेस्ट एक्सप्रेशन इनसाइड द पेरेंथेसिस। इफ द टेस्ट एक्सप्रेशन इज ट्रू, स्टेटमेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ व्हाइल लूप आर एग्जीक्यूटेड, देन द टेस्ट एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड अगेन। मतलब जब तक मेरी ये कंडीशन ट्रू हो रही है, बॉडी ऑफ द लूप टेक्स्ट एक्सप्रेशन के ब्लॉक के अंदर मेरे जो भी स्टेटमेंट लिखे होंगे वो मेरे प्रिंट रिपीट होते रहेंगे जब तक मेरी ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। ओके, द प्रोसेस गो अंटिल द टेस्ट एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड टू फॉल्स। मतलब ये प्रोसेस मेरी कब तक चलती रहेगी, जब तक मेरी टेक्स एक्सप्रेशन फॉल्स ना हो जाए। इफ द टेक्स एक्सप्रेशन इज फॉल्स द लूप टर्मिनेट एंड्स। मतलब जब भी मेरी एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाएगी, मेरी ये लूप टर्मिनेट हो जाएगी। यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल फ्लो चार्ट के थ्रू समझा सकता हूँ कि व्हाइल लूप किस तरह हो रही है। देखिए, यहाँ पे एक टेक्स्ट एक्सप्रेशन दिया है। ओके, ये टेक्स्ट एक्सप्रेशन मेरा जब तक ट्रू होगा, देखिए जब तक मेरा ट्रू होगा व्हाइल लूप में बॉडी, ओके वापस टेक्स्ट एक्सप्रेशन चला, मतलब मेरी लूप यहाँ से यू इवेल्यूट होती रहेगी, इटरेट होती रहेगी। ओके, जैसे ही मतलब मुझे यहाँ पे फॉल्स मिला वो सीधी टर्मिनेट हो जाएगी। यहाँ पे मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया है कि 1 to 5 नंबर प्रिंट करने का। मेरे पिछले वीडियो में देखा कि मैंने आपको प्रैक्टिकली ये एग्जांपल पूरा समझाया था। ओके, तो आई इक्वल टू 1 है, आई लेस देन इक्वल टू 5, मतलब आई की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 5, मतलब यहाँ पे आया 1 प्रिंट कर दिया। फिर प्लस प्लस है, यहाँ पे प्रीफिक्स इंक्रीमेंट किया, मतलब आई की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी। फिर 2 लेस देन इक्वल टू 5, ओके यहाँ पे 2 प्रिंट कर देगा। फिर प्लस प्लस आई, मतलब आई की वैल्यू 3 है, 3 लेस देन 5, ओके तो यहाँ पे 3 प्रिंट कर दिया। फिर 4 होगी यहाँ पे इंक्रीमेंट होने, 4 लेस देन इक्वल टू 5, 4 प्रिंट कर दिया। फिर 5 लेस देन इक्वल टू 5, मतलब 5 भी प्रिंट होगा जब तक ये कंडीशन मेरी ट्रू होगी। ओके, तब तक उस बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होती रहेगी। मतलब यहाँ पे मुझे 6 मिला, 6 लेस देन इक्वल टू 5, ओके यहाँ पे कंडीशन फॉल्स मिली। 1 से 5 में मुझे ये कंडीशन ट्रू मिल रही थी जैसे, लेकिन 6 वैल्यू आई तो ये कंडीशन मुझे फॉल्स मिली, मतलब यहाँ पे मेरी व्हाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगी क्योंकि कंडीशन फॉल्स है। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि तीनों लूप में 3 चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फर्स्ट है कि वेरिएबल को वैल्यू इनिशियलाइज करना, ये हमेशा एक ही बार होगा, मतलब फर्स्ट टाइम ही आपको एट द बिगिनिंग ही असाइन करनी होगी। मतलब ये प्रोसेस जो है इनिशियलाइजेशन, वो ओनली वंस, एट वंस। ओके, जो कंडीशन चेकिंग है वो आपकी मल्टीपल टाइम होगी। ओके, और मतलब एक ही बार लिखनी है लेकिन चेक वो मल्टीपल टाइम होगी, उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है। ये 3 चीज़ें आपको तीनों लूप में यूज करनी है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आउटपुट आ रहा है 1 to 5। ओके, हियर वी हैव द इनिशियलाइज आई टू 1, व्हेन इज फर्स्ट द टेस्ट एक्सप्रेशन आई लेस देन 5 इज अ ट्रू, द बॉडी ऑफ द व्हाइल लूप इज एग्जीक्यूटेड, द प्रिंट्स 1 ऑन द स्क्रीन एंड द वैल्यू ऑफ आई इज इंक्रीज बाय 2। जैसे कि मैंने आपको समझाया कि जैसे कि पहली कंडीशन ट्रू होने के बाद आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगी। ओके, उसी के तरह वो पूरा लूप घूमता रहेगा, 2 2 के बाद 3 प्रिंट होगा। ओके, ये प्रोसेस कब तक चलेगी, जब तक आई की वैल्यू 6 ना हो जाए। द प्रोसेस गो अंटिल आई बिकम 6, व्हेन आई इज अ 6, मतलब जैसे आई की वैल्यू 6 हुई, द टेक्स्ट एक्सप्रेशन आई लेस देन 5 विल बी फॉल्स एंड द लूप टर्मिनेट। मतलब जब भी उसकी आई की वैल्यू 6 हुई, ये प्रोसेस कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाएगी। ओके, तो व्हाइल की लूप टर्मिनेट हो जाएगी। ओके, तो मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डू व्हाइल लूप किस तरह यूज करनी है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।